देखो भाई, पहला धर्म होता है उत्तम समाधान, पता है? देख लो, मैंने कहा था ना, मेरे को सब पता है। अच्छा, इसकी परिभाषा बता तू। बता दो। हाँ, बता। चलो अब आप सुनी लो। उत्तम क्षमा का मतलब है पत्नी सारा दिन सोए, आराम से सोए, कुछ भी काम ना करे, ना खाना बनाए, पति आए खाना बनाए और मुझे बड़े प्यार से खिलाए और जरा भी गुस्सा ना करे, इसका मतलब होता है उत्तम क्षमा। अरे बहन जी, क्या बोल रही हो? उत्तम क्षमा का यह मतलब नहीं है। उत्तम क्षमा का मतलब है तुम क्षमा को गले लगाओ, नहीं किसी पर क्रोध करो, बस सामने बाप पा जाओ। आई मुझे उत्तम क्षमा का मतलब बना दे। दूसरा धर्म होता है उत्तम मार्दव धर्म। माँ जी, आपके लिए होता है। अच्छा, अच्छा। अब आप सुन लो, ये आपके लिए कैसा होता है? मेरे लिए कैसा होता है? उत्तम मार्दव धर्म का मतलब होता है बहुत आराम करे और सास काम करे, सब कुछ करे और जरा भी घमंड ना करे, जरा भी उस बात में मान ना करे, मैंने ये करा, मैंने वो करा, और बहू को कुछ डिस्टर्ब ना करे, इसका मतलब होता है उत्तम मार्ग का। अब बताओ माँ जी, सही बताया ना? अच्छा। अरे उत्तम मार्ग का मतलब नहीं हो, यह नहीं होता, इसमें मान बताया है, मान करो नहीं किसी बात का, यह सब एक पल की है छाया। हो गई छाया, जाओ छाया में बैठ जाओ। देख ले, तू मुझे ज्ञान दे रही थी ना, देख ले, अब तुझे ज्ञान ले ले लेंगे लेंगे माँ जी, पहले आपको दे दूं जरा। तीसरा धर्म होता है उत्तम आर्जव धर्म। अब उत्तम आर्जव धर्म की परिभाषा सुन लो आप सब। यह होता है बहू और बेटी में अंतर। हाँ जी, ये जो मेरी सास बैठी है ना, ये करती है बहू और बेटी में अंतर। सुन लो, बताओ। सुनो बहन जी, बहन जी सुनो, बहन जी सुनो, जरा आज मेरी कथा सुनो आप सब। मेरी सास अपनी बेटी को तो दिलवाती है 5,000 की साड़ी और मुझे दिलवाती है 1,000 रुपए की साड़ी। ये तो बात हुई, देखो कैसी पुरानी साड़ी पहनी हुई है मैंने। ऐसे भेदभाव करके आज जो धर्म करवा रही है, ये होता उत्तम आज जो धर्म। रुको रुको, आप क्या कह रही हो बहन? उत्तम आज जो का ये मतलब है जो हमें मायाचार से बचाए, मायाचारी छोड़ो तो और तोड़ो इज्जत से नाता। अरे कोई तो, मैं अपनी सास को समझा रही हूँ। चौथा धर्म होता है, जरा सब सब ध्यान से सुनना, चीज चीज का भी यहाँ सबका निकलेगा। चौथा धर्म होता है उत्तम सत्य धर्म। बाजी सुन लो, ससुर जी के लिए ये। अब ससुर जी को भी लपेटे में ले, आज तो मैं सबको लपेटे में लूंगी माँ जी, आज मैं छोड़ने वाली हूँ। ससुर जी को तो छोड़ दे माँ जी, ऐसा है नाम तो ससुर जी का, पोल तो आप ही की खुलनी है। सुनो भाई, उत्तम सत्य का मतलब होता है जो मेरे ससुर जी से इन्होंने पैसे झूठ बोल बोल के, चोरी कर करके, तिजोरी में दाल के डब्बों में पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखे, ऐसा मानी जाओ ससुर जी को सारे पैसे सच सच में बता के दे दो। हे भगवान, ये तो मेरी सारी पोल पट्टी खोल के छोड़ेगी, कह रही है सारे आज तक मैंने जो पैसे जोड़ के रखे थे ले जाके ससुर जी को पकड़ा दो, मैंने तो सोचा था कंगन बनवाऊंगी, ये भी कह रही है ससुर जी को ले जाके दे दो, कैसी बहू मिली है। मुझे भी पैसे सास मिली, अपने कंगन के तो पैसे जोड़ लिए, ये ही बहू के लिए भी एक हार बनवा दो, बनवाती तो मैं काहे को पोल खोलती। मेरी किस्मत कैसी सास कैसी बहू मिली है मुझे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे तुम्हारी तो हद हो गई, तुमको तो कुछ भी नहीं पता। उत्तम सत्य है तुम झूठ ना बोलो, झूठ से मिलेगी
उत्तम सोचधार। अच्छा पता है तुम्हें एक बार परिभाषा तो बता। माँ जी उत्तम सोचधार आपकी बेटी के लिए होता है। ये मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी अब तो। अब तो मेरी बेटी को भी पकड़ ले ली। मेरी एक आम नहीं खाती। जब भी मायके आती है उसको बिल्कुल भी एक आम नहीं खाती। कैसे भाएगी जब वो मेरी चीजों को देख देख के लग जाएगी। उत्तम सोच का मतलब होता है